हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी विल डिस्कस नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो करंट का है 2017 से 2031 तक का। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का। तो ये जो था इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसे बाद में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ बताया गया 1952 में बना था, जो किंग ऑफ मैसूर थे उनके अंडर में बना था सबसे पहले। उसके बाद 1972 में इसे लीगल स्टेटस दे दिया गया, मतलब इलीगल नहीं था पहले, लेकिन पहले एडवाइजरी बॉडी थी, लेकिन बाद में इस एक्ट के थ्रू इसे स्टेटूचरी स्टेटस मिल गया। उसके बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसे बैकअप कैसे किया गया है वाइल्ड लाइफ को, तो पहले तो DPSP में बताया गया है। DPSP में आर्टिकल 48A में बताया गया है, 48 में क्या गया है कि हम लोगों को सेफ गार्ड करना है वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। आपको 48 में क्या है, 48 जो है 48 आपका आप एनिमल हस्बेंड्री से है। काऊ के लिए उसमें बताया गया है कि आपका काऊ को सेफ रखना है, काऊ का प्रोटेक्शन करना है। दूसरा आपको क्या बताया गया है, आर्टिकल 51AG, ये भी मैं लास्ट के वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। आर्टिकल 51AG क्या है, फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। तो एक तरह से क्या हुआ, स्टेट की भी ड्यूटी है वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन करना और इंडिविजुअल हम लोगों की भी ड्यूटी है कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना और प्रोटेक्शन करना। तीसरा इसमें एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी ऐड किया गया था और उसने NTCA बनाया। NTCA के बाद वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो भी बनाया। इसमें अमेंडमेंट होते रहे, तो उसमें हर एक अमेंडमेंट के बाद अलग अलग चीजें आती रहीं और जो एडअप करती रहीं हम लोगों के इस एम को कि किस तरह से वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से पहले ही बन चुका था और इसको जो पावर मिली है वो मिली है कहाँ से, आपके जो PCA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, PCA एक्ट 1960, उसके अंदर ये बनाया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब देखिए इसमें अभी ये न्यूज में था, न्यूज में किस लिए था कि जो काऊ हग डे होता है, काऊ हग डे सेलिब्रेट किया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने, उसे उसकी डेट चेंज करके क्या रख दी, 14 फेब रख दी थी। तो 14 फेब को वैसे होता है वैलेंटाइन डे, तो उन्होंने कहा था भाई गर्लफ्रेंड को हग मत करो, किसको हग करो, काऊ को हग करो। तो इस पे काफी न्यूज में आया, काफी लोगों ने उसमें ट्विटरबाजी की, लेकिन उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंट कोट है जो आप लोग अगर कहीं भी आए वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई भी ऐसे है उसमें आप यूज कर सकते हैं। दैट ऑल बींग्स आर फॉन्ड ऑफ देमसेल्व्स, दे लाइक प्लेजर, दे हेयर पेन, दे शन डिस्ट्रक्शन, दे वांट लाइफ एंड वांट टू लिव लॉन्ग एंड टू ऑल लाइफ दैट इज डियर, हेंस देयर लाइफ शुड बी प्रोटेक्टेड, ये भगवान महावीर ने बोला था। नेक्स्ट आइएगा वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की हिस्ट्री जान लेते हैं। तो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो था, जो पहला वाला था वो 1983 से 2001 तक के लिए था, दूसरा वाला जो था वो था 2002 से 2016 तक, इन दो के बाद तीसरा जो बना है उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी की चेयरमैनशिप थी डॉक्टर SS विस्ट की। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि MCQ में ये आ सकता है। और ये थर्ड प्लान है जो इस समय चल रहा है, कब तक चलेगा, 2017 से 2031 तक चलेगा। इस प्लान में 5 कंपोनेंट हैं, 17 थीम्स हैं, 103 कंजर्वेशन एक्शन प्लान है, कंजर्वेशन एक्शन प्लान, और 250 प्रोजेक्ट्स हैं। ये इतना डिटेल में नहीं जाना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट जानना है कि 5 कंपोनेंट, 17 थीम ऐसे ही से, और अपना 103 कंजर्वेशन एक्शन प्लान, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है वो एक बार जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोगों को इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट करना है। पहला प्लान क्या है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट किसका, सारी वाइल्ड लाइफ का और साथ ही साथ जहां वो लोग रहते हैं उसके हैबिटेट का। दूसरा आपका क्या है, एडेप्टेशन के लिए बताया गया है किससे, क्लाइमेट चेंज से, एंड प्रोमोटिंग इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये पानी से रिलेटेड है, एक्वेटिक आ गया तो पानी, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसका। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है, इको टूरिज्म की बात की गई, उसे प्रमोट करना है। उसके बाद आपके जो नेचर एजुकेशन और पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, इसकी बात करनी है, NEP में भी ऐड है।
कि आपको एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी एजुकेशन देनी है, डेट इज इम्पोर्टेंट। और उसको कोई ऐसा नहीं करना है कि बस एक सब्स्टिट्यूट सब्जेक्ट हो गया, उसमें बस ऐसे ही नंबर दे दिया गया, क्वालिफाइंग कर दिया गया। उसको प्रॉपर सिलेबस या करिकुलम का पार्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को मैन पावर भी चाहिए, और ट्रेंड मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर चाहिए जो इन्वायरमेंट की देखभाल कर सके, उसके एविल हो। अब चौथा इसमें कंपोनेंट क्या है, कंपोनेंट है कि रिसर्च एंड मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो यही हो गया। ठीक है, पांचवा क्या हो गया, पांचवा में क्या करना है, जो भी पॉलिसीज हैं या फिर जो भी रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं उनको इनेबलिंग करना। इनेबलिंग पॉलिसीज का मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है और जो आप कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ में यूज कर रहे हो उनको इस तरह से बैकअप देना, लीगल, उनको लीगल बैकअप देना, उनके लिए रूल्स से लॉज बनाया बनाना कि वो एक्चुअली में इफेक्टिव हो, उनका आउटकम्स आए। तो ये मेन पांच कंपोनेंट है, इन पांच कंपोनेंट को आप अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, अब ये थीम्स कौन कौन सी हैं। थीम्स को सारी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको आप लिंक कैसे करते हो इन पेपर्स में, अलग अलग क्वेश्चंस में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप इन लिंक को यूज कर सकते हो कि हाँ, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में ये चीज इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में बताया गया है, तो आपका एक पॉइंट उसमें से बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, स्ट्रेंथनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, तो ये आपके हो गए प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क से रिलेटेड। प्रोटेक्टेड ये आपका आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लैंडस्केप लेवल अप्रोच फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा आप क्या है, थ्रेटेंड स्पीसीज, जो भी आपकी थ्रेटेंड स्पीसीज है उनका कंजर्वेशन, ये इसे आप किससे लिंक कर सकते हो, इसे आप लिंक कर सकते हो साइट से, ठीक है, IUCN की रेड डेटा बुक से, इनसे आप लिंक कर सकते हो। और आपका जो अमेंडमेंट आया 2022 का नेशनल वाइल्ड लाइफ, उसमें भी इसके बारे में बताया गया है, प्लस आपकी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसमें भी ये चीजें बताई गई है। तो ये तीनों, इन सारी चीजों में ये यूज हो रहा है। इसके बाद क्या है, ये देखिए निशाना बना है, ये आपके जो निशाना लगा रहा है इस तरह का है, तो इससे पता चल जाता है किसके लिए, पोचिंग के अगेंस्ट में, लीगल ट्रेड, ये लीगल ट्रेड वाला है, साइट्स इसमें ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या है, वाइल्ड लाइफ हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ में एनिमल, जो भी एनिमल है उनमें जो भी रोग हो रहे हैं उनके मैनेजमेंट की बात हो रही है। इसमें देखिए क्या है, इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इन वाइल्ड लाइफ प्लानिंग। अब देखिए, आपने एक चीज देखा होगा, पिछले साल क्या हुआ था, जितनी भी काउ थी उनको लंपी स्किन डिसीज हो गई थी, लंपी स्किन डिसीज। अब देखिए, ये जो काउ को लंपी स्किन डिसीज हो गई थी तो इसके लिए मैनेजमेंट किसने दिया था, इसके लिए इसमें को वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में इसको स्पेसिफाई किया गया है। और ये हुआ क्यों था, क्योंकि पिछली साल अगर आप देखो तो राजस्थान में सबसे ज्यादा, मतलब 50 से लेके 60% जो डेथ हुई है कैटल की वो केवल राजस्थान में हुई है इस लंपी स्किन के कारण। और राजस्थान में पिछली बार जो बारिश हुई थी बहुत ज्यादा हुई थी, तो क्या हुआ था, वहां वार्म प्लस ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया था। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होने से क्या हुआ, जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो ज्यादा डेवलप करते हैं, या फिर जो भी इसके जो वेक्टर्स होते हैं। अब देखिए, मैंने वेक्टर्स की बात की है तो जरा थोड़ा सा इसमें जान लो, इसका जो वेक्टर होता है, इसका जो वेक्टर वो होता है कैप्रीपॉक्स करके इसका वायरस होता है, वायरस नहीं मतलब वेक्टर होता है उसका नाम। और उसके बाद क्या होता है, ये किसी भी ऑर्थोपोडा से कहते फैल सकता है, जान गायों में, भैंसों में, कैटल में ही फैलेगा, लेकिन ये उसमें नहीं फैलेगा, इंसानों में नहीं फैलेगा, जैसे आपके मच्छर हो गए या फ्लाइंग बैट्स हो गए, इनसे फैल सकता है। ठीक है, इंडिया में कोई अपनी इंडिजिनस वैक्सीन है तो एक करके क्या उसका नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग तो बताइएगा इंडिया की, लेकिन वो इमरजेंसी यूजेस में उसका यूज नहीं कर पाए थे उस वैक्सीन का, तो हम लोगों ने यूज किया था किसका, जो आपकी गोट गोट पॉक्स की जो वैक्सीन होती है या फिर शीप पॉक्स की जो वैक्सीन होती है, उनको हम लोगों ने इस वाली जो लंपी डिसीज हुई थी उसमें यूज किया था। तो मैंने ये बताया इसके बारे में इसलिए कि आप लोग ये डाल लें, कैप्री पॉक्स इसका डिसीज जिसके कारण फैलता है उसका नाम है, कौन कौन सी वैक्सीन यूज हुई थी, गोट पॉक्स और शीप पॉक्स में जो यूज होती है वही यूज की थी, उनसे इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, इंडिया की जो इंडिजिनस वैक्सीन है वो अवेलेबल है इसके लिए,
लेकिन वो इमरजेंसी यूजेस के लिए अभी उसे क्लियरेंस नहीं मिली थी, तो हम लोग को ये वाली वैक्सीन यूज करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीजें देखिए, हेल्थ मैनेजमेंट जो था वाइल्ड लाइफ का, वो किसमें आता है? वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में आता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसमें आप लिख दोगे कि हाँ ये चीज वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान में भी बताई गई थी और हम लोगों को प्रिपेयर रहना चाहिए था और रहे भी, लेकिन थोड़ा सा और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए था। उसके बाद क्या है, थीम मैनेजमेंट ऑफ टूरिज्म इन वाइल्ड लाइफ एरिया, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इको टूरिज्म में भी आता है। लद्दाख में देखिए स्नो लियोपार्ड के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, प्लस वहां पे जो पानी की जो कंजप्शन है वो वाटर कंजप्शन है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि वहां के लोग पता चला 20 लीटर पानी यूज करते हैं और उन्होंने होम स्टे कर दिया, होम स्टे में जो लोग आए वो पता चला 100 लीटर पानी के नहाने में यूज कर रहे हैं। तो क्या हुआ, पानी की डिमांड बढ़ेगी ना, पानी की डिमांड बढ़ेगी तो कहाँ से ली जाएगी पानी की डिमांड? पानी की डिमांड ली जाएगी किससे? वहां की जो लेक है, लेक तो क्या होगा, लेक में आपका वाटर का जो रिजनरेशन होता है या रिप्लेनिशमेंट जिसे बोलते हैं वो हो नहीं पाएगा और कंजप्शन ज्यादा होगा, धीरे धीरे लेक भी खत्म होगी, लेक खत्म होगी तो वहां पे टूरिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें देखनी है हम लोगों को। नेक्स्ट क्या है, कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड आउटरीच। तो ये जो मैंने बोला ये सारा लोगों को पता होना चाहिए, और पता होना चाहिए प्लस उनके अंदर इतना, इसे ही कहते हैं साइंटिफिक टेम्पर, कि आपको चीजें पता हो आप उसको इम्प्लाई भी करो, अप्लाई करो, अपने एटीट्यूड में लाओ उस चीज को। तो ये कंजर्वेशन अवेयरनेस एंड आउटरीच भी है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है, ग्रेटनेस ऑफ ए नेशन एंड इट्स मोरल प्रोग्रेस, मैंने अभी साइंटिफिक टेम्पर की बात की, कैन बी जस्ट बाय द वे इट्स एनिमल्स आर ट्रीटेड, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने बोला था, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। एनिमल्स आर ट्रीटेड का मतलब क्या हुआ, अब जैसे आपने देखा होली के दिन क्या करते हैं, पता चला जो बहुत से मैंने जगह देखी है वहां पे जो भी कुत्ते होते हैं, अभी जो भी स्ट्रे डॉग्स होते हैं उनको रंग देते हैं, या दिवाली पे कुत्ते की पूंछ में क्या है, या गाय की पूंछ पे पटाखा लगा देते हैं। ये सब चीजें क्या है, ये आपका आपको नहीं करनी चाहिए। आप खूब एंजॉय करो किसी भी फेस्टिवल को, लेकिन आपको एक बेसिक लेवल की सैंक्टिटी या रिस्पेक्ट एनिमल्स के लिए भी होनी चाहिए, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद और दूसरी थीम्स क्या हैं, दूसरी थीम से मिटिगेशन ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो इसमें आपका जो एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बने हैं वो, उसकी बात हो रही है। कंजर्वेशन ऑफ इनलैंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो इसका कंजर्वेशन जैसे आपकी आपकी बन रही है चंबल सेंचुरी बन रही है, ठीक है, लखनऊ में भी एक ऐसे ही सफारी बन रही है, प्लस आपका जो गंगा डॉल्फिन है उसके कंजर्वेशन के लिए जो प्लान बन रहा है, आपका डिगोंग के लिए जो बन रहा है, ये सब क्या है, इनलैंड एक्वेटिक सिस्टम, और ऐसे ही इसमें आ गया कोस्टल के लिए। अब डिगोंग की जो मैंने बात की थी वो किसमें आ जाएगा, आपका मैरीन और कोस्टल इकोसिस्टम में आ जाएगा, प्लस इसमें आपके ऑब्वियसली बात है कि सुंदरवन वगैरह के एरिया भी आ जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद ये सब चीजें तो हो गई कंजर्वेशन से रिलेटेड, प्लस आप इसको अप्लाई कैसे करोगे इसके ऊपर भी आगे की थीम्स हैं। तो इसमें क्या है, एक तो ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल आपको डेवलप करना है, ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। दूसरा आपको रिसर्च और मॉनिटरिंग जो है स्ट्रेंथनिंग करनी है उसकी। स्ट्रेंथनिंग का मतलब क्या हुआ कि आपको और ज़रा लेबोरेटरी बनानी है, जो लेबोरेटरी है उनको उनका अपग्रेडेशन करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका जो नेशनल लेवल पे जो भी कन्वेंशन है, चाहे आपकी स्टॉकहोम कन्वेंशन हो, आपकी साइट्स हो, या फिर आपकी सीबीडी हो, इन सबसे कोलोबरेट करना है, कोऑपरेशन करके चलना है, और अपनी जो इंटरनेशनल लेवल की जो रजिस्ट्रेशन है या डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन है उनका इंटरनेशनल कन्वेंशन के साथ एक रिदमिक कोलेबोरेशन होना चाहिए, ये इंश्योर करना है। दूसरा क्या है, सस्टेनेबल फंडिंग तो बहुत जरूरी है ही जरूरी, और प्लस आपका इंटीग्रेटिंग नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान विद अदर सेक्टोरल प्रोग्राम। अदर सेक्टोरल प्रोग्राम क्या हुए, आपका जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका जो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोर्स से रिलेटेड जो भी हुआ, ये सारे प्लान एक दूसरे से लिंक होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये सब हम लोगों को करना क्यों है, करना इसलिए है क्योंकि देखिए रुक्मणी देवी अरुंडले जो जिन्होंने ये बनाया था एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इन्हीं ने बनाया था, रुक्मणी देवी अरुंडेल ने, उन्होंने क्या बोला था कि एनिमल कैन नॉट स्पीक बट कैन यू एंड आई नॉट स्पीक फॉर देम, यस वी शुड एंड वी मस्ट एंड रिप्रेजेंट देम, यस। आप ये देख रहे हो इसको, ये अब इसको क्या दिक्कत है नहीं पता ना, ये हम लोगों को समझना होगा कि इसने खाया है क्या, या फिर इसके मम्मी पापा कहीं और चले गए, ये सब हम लोगों को सोचना चाहिए। क्या कहा जाता है, वी शुड बी
हम लोगों को अपने अंदर एक कंपैशन रखना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी है हम लोगों की। नेक्स्ट आइए, अब आइए उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी स्कीम्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तो कुछ ये जो है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट नहीं स्टेट लेवल है, ठीक है। सेंट्रल लेवल में क्या आ गया, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात हुई है जो इन तीन फॉरेस्ट डिवीजन में बनाया गया है, इनको आप मैप पे भी देख लीजिएगा, ये मैं बताना इसमें लगाना भूल गया, शिवालिक बिजनौर और नजीबाबाद फॉरेस्ट डिवीजन। उसके बाद आपका ये नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये भी एक नेशनल प्लान बनाया है, इसमें इसको भी यूपी में लागू किया गया है। पहले लेक इकोसिस्टम के लिए अलग था, तो उन सबको क्या कहते हैं इन्होंने मिक्स एक कॉम्प्रेहेंसिव बना दिया एक्वेटिक के लिए। नेशनल अपना नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम बहुत तो चल ही रहा है। उसके बाद इसमें ये सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है, उसमें क्या है अगर इन जनरल देखो तो आप इंडस्ट्रियल पल्पवुड प्लान बनाए, और दूसरा एससी कम्युनिटी और ट्राइबल एरिया के लिए भी सब प्लान बनाए गए हैं सोशल फॉरेस्ट्री में ही। और इस पूरी स्कीम के लिए इस बार बजट में कितने रुपए दिए गए हैं, देखिए मैंने ये लगाया है 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बार बजट के लिए, बहुत रुपए दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट स्कीम भी लगाई गई है, ग्रीन बेल्ट को आप कह रहे थे ग्रीन इंडिया के अगर माने तो इसमें कितना रुपए दिए गए हैं, 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं 2023-24 के बजट में, यूपी में, यूपी का बजट है, यूपी बजट 23-24। और ये मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया है ये आपके सीधे बजट स्पीच से ले लिया है। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फॉर फॉरेस्ट एम्प्लॉय रेजिडेंसेज एंड ऑफिसेस, ये भी इसमें आता है आपकी स्टेट लेवल पे, ये आप ये इम्पोर्टेंट है। बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड स्कीम, इसमें क्या है जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं लोगों के, आप लोगों के न्यूज में आता रहता होगा कि पूरी बंजर जमीन में क्या है तो उन्होंने पेड़ उगा दिया, जंगल बना दिया, तो इन सब लोगों के बीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट दिया जाता है। नर्सरी मैनेजमेंट स्कीम की बात हुई है, इसके लिए कितने रुपए दिए गए हैं, 10 करोड़, सॉरी नर्सरी मैनेज बहुत सारा 175 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 175 करोड़ रुपए का इसमें बजट में दिया गया है। इको टूरिज्म में कितने रुपए दिए गए हैं, 10 करोड़ रुपए इको टूरिज्म के लिए भी दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद ये मैं एक इसमें ऐड था, लखनऊ स्थित कुकरेल वन क्षेत्र में नाइट सफारी पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए और रखे गए हैं, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड था जो आपकी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सी स्कीम्स है। तो अगर आपका यूपीपीसीएस में आता है, यूपीपीसीएस में अगर क्वेश्चन आता है वाइल्ड लाइफ का, तो आप दो या तीन स्कीम्स इससे रिफर कर सकते हो जो उस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहा है। प्लस आप ये बता सकते हो कि वे फॉरवर्ड में कि गवर्नमेंट जो है उस किस लिए कितने रुपए लगा रही है, तो ये अच्छा रहेगा, क्वेश्चन को वेटेज देगा, ठीक है। तो थैंक यू, इस टॉपिक पर इतना ही था, और नेक्स्ट तो मैं कवर करता रहूँगा सिलेबस, मे बी फॉरेस्ट इकोलॉजी पर बनाऊँ। ओके, टिल देन थैंक यू।